अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जो हमने किया था वो हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स का किया था, तो इस लेक्चर में हम फुट नोट करेंगे, साइटेशन करेंगे, कैप्शन करेंगे, इसके बाद रिव्यू टैब में हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर करेंगे, रिसर्च थिसॉरस वर्ड काउंट करेंगे, कमेंट वगैरह करेंगे, ट्रैक चेंजेस करेंगे और रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग करेंगे। इसके बाद व्यू टैब में हम लोग डॉक्यूमेंट व्यू शो और जूम टैब करेंगे, विंडो टैब करेंगे। इसके बाद फाइल टैब में हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान जाएंगे रेफरेंस में। रेफरेंस में आज जो हमारा टॉपिक है वो है फुट नोट। तो आप अक्सर देखोगे कि डॉक्यूमेंट के पेज के एंड पर मार्जिन लाइन लगी होती है और उसके नीचे आपके पास कुछ लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर माउस पर कर्सर रखता हूँ, यहाँ रेफरेंस में जाता हूँ, यहाँ पर जाकर फुट नोट में सर्च करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास मार्जिन लाइन लग गई है और यहाँ पर आप लोग जो भी माउस के बारे में लिखना चाहते हो आप लोग यहाँ ही लिख सकते हो। यहाँ पर अक्सर ये होता है कि किसी जगह का नाम लिखा होता है, वो जगह का हवाला दिया जाता है और उसके बारे में लिखा जाता है, तो इसलिए ये फुट नोट लगाया जाता है। इसके बाद हमारे पास अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाकर इसको बैक पर प्रेस करेंगे तो ये देखिए रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है एंड नोट का। अगर आप लोग एंड नोट पर इंटर करना चाहते हैं तो आपने जिस पर क्या करना है कि जिस जगह आप लोग एंड नोट इंटर करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जाकर इमाम पर कर सकता हूँ, रेफरेंस में जाऊँगा, यहाँ पर इंसर्ट एंड नोट करूँगा, तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट के एंड पर आ गया। तो फुट नोट और एंड नोट में डिफरेंस ये होता है कि जो फुट नोट होता है वो पेज के एंड पर आता है, जबकि जो एंड नोट होता है वो डॉक्यूमेंट के एंड पर आता है या वो सेक्शन के एंड पर आता है। यहाँ पर आप लोग जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी मर्जी से किसी कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर जाना है, यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास इस तरह के डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जाना है आपने और आप अगर आप लोग एंड नोट इंटर करना चाहते हैं तो एंड नोट पर रेडियो बॉक्स को क्लिक करेंगे, अगर आप लोग फुट नोट इंटर करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे कि फुट नोट रेडियो बॉक्स को आप लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अगर आप लोग चाहते हो कि सेक्शन के एंड पर आ जाए तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ जाकर आपने एंड ऑफ सेक्शन पर क्लिक कर दें या एंड ऑफ डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दें, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अब यहाँ पर देखें, अगर आप लोग ये यहाँ पर फुट नोट इंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन मौजूद होते हैं, बिलो टेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों ने फुट नोट का कर्सर रखा था, जिस वर्ड का आप लोग फुट नोट इंटर करना चाहते हो उसी के बिल्कुल नीचे अगर आप चाहते हो फुट नोट आ जाए तो आपने बिलो टेक्स्ट कर देना, अगर आप चाहते हो कि बॉटम ऑफ पेज आ जाए तो आपने क्या करना है, बॉटम ऑफ पेज पर क्लिक कर देना। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर नंबर फॉर्मेट्स का ऑप्शन आता है, ठीक है, आपने क्या करना है यहाँ पर इसको करना है, तो यहाँ पर देख सकते हो आपके पास अल्फाबेट और हरूफ तहजीब के अल्फाज आ जाते हैं, यहाँ पर अकबर रोमन आ जाता है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर कस्टम मार्क आ जाता है, कस्टम मार्क में आपके पास सिंबल आपको फिर ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पर देखें आप लोग सिंबल भी लगा सकते हैं। इसके बाद वो जो है आपके पास फुट नोट या एंड नोट वो वन से स्टार्ट और टू से स्टार्ट और थ्री से और जो भी आप चाहते हैं वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अगर वो चाहते हो कि टू से स्टार्ट दो महीने टू कर देना, फिर थ्री से स्टार्ट और थ्री कर देना, फिर तो वन से स्टार्ट हो तो वन से या वन इंटर कर देना, या आप चाहते हो कि अगर कंटिन्यूस हो फॉर एग्जाम्पल पूरे डॉक्यूमेंट में कंटिन्यूसली चलते जाए, या आप चाहते हो कि जैसे ये एक सेक्शन ख़त्म हो और नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो तो उसका नया से आ जाए फुट नोट उसके नया से शुरू हो जाए, अगर आप चाहते हो कि हर पेज से अलहदा अलहदा फुट नोट इंसर्ट होना शुरू हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एक पेज पर हमने फॉर एग्जाम्पल पाँच फुट नोट इंसर्ट किए तो नेक्स्ट पेज से वो फिर दोबारा वहाँ से शुरू हो जाए, उसके लिए क्या करना है आपने स्टार्ट
ई पे पर क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई चेंजेस टू होल डॉक्यूमेंट, या आपके पास एक न्यू सेक्शन वाला ऑप्शन आ जाता है तो वहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग जाके अप्लाई करना है, तो अप्लाई कर दिया। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट एंड साइटेशन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप नेक्स्ट पर देखोगे, आप अगर किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी बुक से या किसी भी आर्टिकल से कुछ कॉपी करते हैं या कुछ भी आप लोग वहाँ से पिक करते हैं और आप लोग रेफरेंस देना चाहते हो कि आपने ये हवाला फलां बुक से दिया, तो आप ने आप उसको जो आपने कॉपी की होते हैं, जो आप रेफरेंस देते हो, उसका फोटो आप सही से साइट करें। तो उसका तरीका कार क्या होता है कि आपने सिंपल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली जो लाइन है जिसको मैंने साइट किया, तो मैं यह क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर सर रखूँगा, ठीक है, यहाँ रेफरेंस में जाऊँगा, इंसर्ट साइटेशन पर जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये जो है ये मैंने पहले से ऑलरेडी रेफरेंसेस दिए हुए हैं, ये पहले से मैंने साइट किया। अगर आप चाहते हो कि न्यू सोर्स आ जाए, क्योंकि ये मेरे पास पहले से सोर्स मौजूद है, अगर आप चाहते हो कि न्यू सोर्स आ जाए तो आपने क्या करना है कि न्यू सोर्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास ये तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने जाकर सबसे पहले आपने बुक से कॉपी किया है या आपने बुक सेक्शन से किया है, आर्टिकल से किया है, आप लोगों ने किसी रिपोर्ट से वो कॉपी किया, तो वो जाकर सबसे पहले आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बुक से कॉपी किया तो यहाँ पर बुक आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप ऑथर का नाम लिखेंगे, आपके पास जो भी आपका ऑथर है आप लोग वो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद टाइटल लिखेंगे, तो यहाँ पर टाइटल आ जाएगा, ईयर आप लोग लिखेंगे, आप लोग जो भी आपका ईयर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2020 आ लिख देंगे, सिटी आप लोग लिखना चाहते हो तो आप लोग सिटी लिख सकते हैं। तो इस तरह आप पब्लिशर आप जो लिखना चाहते हो, और आप लोग यहाँ पर जाकर ओके कर देंगे, तो ये देख सकते हैं क्या क्या पर्सन, ये ऑथर का नाम और ईयर ऑफ पब्लिशिंग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आपके पास डिफरेंट स्टाइल होते हैं, ये इसमें APA स्टाइल, शिकागो 15 एडिशन आ जाता है, और MLA, ये जो तीन इम्पोर्टेंट है, APA, शिकागो और MLA, ये तीन इसके जो इम्पोर्टेंट स्टाइल हैं। ठीक है, आप जो भी आपको स्टाइल पसंद आता है आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो आप लोग जो भी देखना चाहते हैं आप ईजी ला सकते हो। ज़्यादातर ये APA चलता है तो आप लोग APA ही रखते हैं और ये ईजी भी ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद आपके पास बिबलियोग्राफी का ऑप्शन मौजूद होगा। आपने देखोगे कि अक्सर किसी भी डॉक्यूमेंट के एंड के ऊपर, यहाँ पर डॉक्यूमेंट ख़त्म हो रहा होता है, वहाँ पर आपने जितने भी सोर्सेज से रेफरेंस लिए होते हैं, साइटेट किया होता है, उनकी एक लिस्ट दी गई होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट के एंड पे जाऊँगा, यहाँ पर जाकर मैं रेफरेंस पे जाऊँगा, यहाँ पर जाकर मैं बिबलियोग्राफी पर क्लिक करके इंसर्ट पे बिबलियोग्राफी करूँगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जितने भी सोर्सेज से साइटेट किया था, जितने भी सोर्सेज से मैंने कुछ कॉपी किया था, रेफरेंस लिया था, उन सब सोर्सेज के नाम यहाँ पर मौजूद होंगे। ठीक है, आप लोग इसको रिमूव करना चाहते हो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर जाना है, यहाँ पर बैक प्रेस कर देना, होल कॉपी करके सब कुछ सेलेक्ट करके बैक से प्रेस करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन आ जाता है। आप नेक्स्ट देखोगे कि किसी भी इमेज के नीचे या टेबल के नीचे आपके पास कुछ कैप्शन दी गई होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जाकर मैं प्ले पार्ट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई कार सिलेक्ट करता हूँ और ये वाली कार मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जाऊँगा और अगर आप लोग अपने रीडर को बताना चाहते हैं कि आप लोगों ने किसकी पिक्चर है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जाकर फिगर 1 आ जाएगा, यहाँ पर जाकर आप लोग ये वाला कार लिख दें, ओके प्रेस करें, तो यहाँ पर देख लें आपके पास फिगर 1 कार आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग इसकी डिटेल लिखना चाहते हैं तो आप क्या करना है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में जाना है, यहाँ पर जाकर इस तरह देख सकते हैं टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 3, 5, ठीक है, जो भी किस किस्म का फिगर लेना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाकर आप लोग उसका जो लीडर होगा वो आप लोग डॉक्टर करना चाहते हैं, आप लोग जो भी आपके पास आप मर्जी से सुटेबल है आप लोग वो करना चाहते हैं, सिंपल लाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, टेम्पलेट करना चाहते हैं, कैप्शन लेबल पे कर गया टेबल है, इक्वेशन है, कोई भी आप लोग यहाँ पर जाकर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाकर ओके प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये इसको
आ जाएगा, टेबल ऑफ फिगर आ जाएगा। ठीक है, आप उसको रिमूव करना चाहते हो तो काफ़ी सिंपल है, आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है, बैक स्पेस प्रेस करेंगे रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर जाकर बैक स्पेस प्रेस करेंगे ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, हम इसको रिमूव कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास रिव्यू टैब आ जाता है, यहाँ पर आपके पास रिव्यू टैब आ जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ग्रुपिंग ग्रुप आ जाएगा, आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आके अगर डॉक्यूमेंट में मिस्टेक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने ये मिस्टेक कर दी है, आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल रिव्यू टैब में जाना है, यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करना है और आगे पास इसको हाईलाइट कर देगा और नीचे उसके जितने भी सजेशन होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। अगर आप इसको चेंज करते हैं तो आप चेंज ऑल कर दें, फिर फौरन ही आपके पास जो उसका नेक्स्ट मिस्टेक होगी वो आपके पास आ जाएगी, फिर आप उसको चेंज ऑल कर दें, इस तरह आप देख सकते हैं वो मिस्टेक जो है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास रिसर्च का ऑप्शन आ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग ने जिस वर्ड के ऊपर आपका कर्सर होगा तो ये उसी वर्ड को लेगा, आपने यहाँ पर जाकर उसको क्लिक करना है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पर दे देगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास रिव्यू टैब में आ जाता है, थिसॉरस आ जाता है। थिसॉरस और डिक्शनरी में ये डिफरेंस होता है कि डिक्शनरी में आपको एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में उसका मीनिंग दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल उर्दू इंग्लिश डिक्शनरी है तो जो इंग्लिश का वर्ड होगा उसका मतलब उर्दू में होगा, जो उर्दू का वर्ड होगा उसका मतलब इंग्लिश में होगा, जबकि थिसॉरस का ये होता है कि सेम लैंग्वेज में आपको उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए गए होते हैं। इंग्लिश थिसॉरस होगी तो सेम उसी लैंग्वेज में उस वर्ड के सिनोनिम और एंटोनिम्स दिए गए होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने थिसॉरस ओपन किया तो यहाँ पर उसके जितने भी सिनोनिम्स हैं ये उसके एंटोनिम्स भी दिए गए हैं। फुल ठीक है, यहाँ पर उसका मीनिंग फुल हर एक का उसका जो है एंटोनिम दिया गया होगा, यहाँ पर उसके सिनोनिम्स हैं और जहाँ लास्ट उसका एंटोनिम है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक वर्ड काउंट का ऑप्शन आ जाता है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपने किसी भी लाइन वगैरह को सिलेक्ट आप लोगों ने नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे हम लोग रिव्यू में, जहाँ जाकर वर्ड को वर्ड काउंट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट को उसने स्टैट्स दे दिए। ठीक है, यहाँ पर आठ टोटल पेजेस हैं, यहाँ पर वर्ड्स हैं, कैरेक्टर वगैरह लाइन जितने भी आपके पास वो मौजूद होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि सिंपल सिर्फ पैराग्राफ की आपको स्टैट्स दे कि टोटल वर्ड वगैरह कितने हैं, पैराग्राफ वगैरह जो आप लोगों ने सेलेक्ट किया तो यहाँ जाकर वर्ड काउंट करेंगे तो ये आपको बता देगा कि जो आपने काउंट किया है उसमें आपके पास एक पेज है, 99 वर्ड्स हैं, आपके पास जो कैरेक्टर हैं वो 432 हैं, जो करेक्टर स्पेसेस हैं वो 530 हैं, मतलब उसने स्पेस को भी काउंट किया, पैराग्राफ एक है, लाइन छः है, इस तरह के पास सारा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ट्रांसलेट है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर इंटरनेट नहीं है तो इस वजह से ट्रांसलेशन नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, अगर आप पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करना चाहते हो तो आप पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करेंगे, सिलेक्टेड टेक्स्ट को करना चाहते हो तो उसको भी कर सकते हैं। तो मैं पूरे डॉक्यूमेंट पर जाकर क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपने जिस लैंग्वेज में सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जाकर आप लोग फ्रेंच में करना चाहते हो तो ओके कर दें तो वो उसको फ्रेंच में करेगा, मतलब मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो इसलिए मेरा यहाँ पर वो ट्रांसलेशन नहीं होगा। यहाँ पर फिर हमारे पास कमेंट वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं पीस पर कोई कमेंट लिखना चाहता हूँ तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर जाकर सिंपल न्यू कमेंट करना है, यहाँ पर आपको पीस के बारे में जो भी लिखना चाहते हो वो आप लोग इजीली लिख सकते हो, आप जो भी चीज़ वगैरह के बारे में तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास एक कमेंट आ जाएगा। ठीक है, इस शक्ल में अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हो आपने क्या करना है, कमेंट पे जाकर क्लिक करना है, रिमूव पे रिव्यू पे जाना है, यहाँ पर आपने जाकर डिलीट कर देना है। तो ये देखें कमेंट रिमूव हो गया। इसके बाद हमारे पास ट्रैक इमेज आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट किसी दूसरे बंदे को देखते हो और वो बंदा डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर देता है और आप लोग चाहते हो कि आपको पता चल जाए कि उसने कौन कौन सी चेंजेस किए हैं जानते हुए भी या बगैर जानते हुए,
तो आप क्या करना है कि ट्रैक इमेज को ऑन कर जाए। तो जब आप लोग ट्रैक इमेज को ऑन करेंगे, आप लोग जो कुछ भी लिखेंगे वो इस फॉर्म में आ जाएगा, उसका टेक्स्ट रेड होगा और अंडरलाइन होगा। जब आप किसी को इस तरह रिमूव करना करेंगे तो क्या करेगा, इसको कट कर देगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो फाइनल वाले का फंक्शन है, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि जो ये आपने चेंजेस किए हैं ये डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन जाए, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जाकर फाइनल पर क्लिक कर देना। तो क्या होगा कि वो डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक है तो ये मिस्टेक आ रही, लेकिन ये डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन चुका है, ठीक है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि वो ओरिजिनल शो हो, मतलब वो उसका हिस्सा ना बने लेकिन उसको रिमूव कर दे, आपने जो कुछ उसमें इंटर किया है उसको वो रिमूव कर दे, तो उसके लिए आप लोग ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे। ये देखें कि जैसा डॉक्यूमेंट पहले था उसने का डॉक्यूमेंट को वैसे ही कर दिया। इसके बाद आप दोबारा रिव्यू पे जाएं, हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाला ऑप्शन आ जाता है। तो अगर आप लोग ने कोई भी चेंज किया डॉक्यूमेंट में, अगर आप लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना देगा, अगर आप लोग उसको रिजेक्ट करते हैं तो क्या करेगा कि उसको डॉक्यूमेंट से रिमूव कर देगा। इसके बाद यहाँ पर आपके पास कंपेयर का ऑप्शन आ जाता है, क्या करना है आपको, यहाँ पर कंपेयर पर जाना है। कंपेयर पर जाएंगे आप लोग, तो यहाँ पर कंपेयर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो डॉक्यूमेंट्स आए, आप देखना चाहते हो कि जो कुछ एक डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है क्या वही दूसरे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, तो आप क्या करेंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पर जाकर आप लोग सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जाकर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और दूसरे में जाकर जो रिवाइज किया गया उसको हम जाकर सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ जाकर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं जाकर ओके पर क्लिक करूँगा। जो कुछ हमारा सिलेक्ट, जो कुछ एक डॉक्यूमेंट में है और दूसरे में नहीं है, ठीक है, वो इस फॉर्म में आ जाएगा, वो रेड अंडरलाइन फॉर्म में आ जाएगा। जबकि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर एक डॉक्यूमेंट में जो कुछ लिखा हुआ है वही दूसरे डॉक्यूमेंट में भी लिखा हुआ है, ये अक्सर प्लेजरिज्म में, अगर आप दो डॉक्यूमेंट्स की प्लेजरिज्म चेक करते हो, ऑनलाइन चेक नहीं करना चाहते, आपके पास एक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लिया चाहते हो कि उसमें से कॉपी किया गया कि नहीं किया गया, तो उसके लिए आप यूज करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जितना भी है ये मैंने ओरिजिनल में से कॉपी किया गया है, ओरिजिनल से कॉपी किया है, तो यहाँ पर आपको दिखा दे, क्योंकि जो कॉपी नहीं किया गया होगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा और जो कॉपी किया गया होगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं जाकर इसको नोट सेव करूँगा। यहाँ पर फिर उसके बाद स्ट्रिक्ट एडिटिंग वाला ऑप्शन आ जाता है, आपने क्या करना, अगर आप चाहते हो कि आपने डॉक्यूमेंट अपने किसी को दिया है सिर्फ पढ़ने के लिए दिया है और आप चाहते हो कि वो बंदा इसमें चेंजिंग ना कर सके, किसी किस्म की फॉर्मेटिंग भी ना कर सके, ना कुछ ऐड कर सके, ना कुछ रिमूव कर सके, तो यहाँ जाकर उसको क्लिक करना है, ठीक है। आपने सब कुछ करें, यहाँ पर फॉर्मेटिंग को टेक करना है, फिर उसके बाद एडिटिंग इंस्ट्रक्शन को टेक करना है, एवरी वन पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन पर जाकर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आपके पास पासवर्ड मांगेगा, आपने क्या करना है, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पासवर्ड लिखता हूँ, सेम दोबारा भी पासवर्ड लिखता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने कर रखा और यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं किसी भी किस्म की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकता, होम पे जाऊँगा, यहाँ पर सारा किसी भी किस्म की मैं ना फॉर्मेटिंग कर सकता ना मैं कुछ इंटर कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं प्रोटेक्शन ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं यहाँ जाकर स्टॉप प्रोटेक्शन पर क्लिक करूँगा, वो पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड होगा मैं वो पासवर्ड लिखूँगा और ओके पर क्लिक करूँगा। देख सकते हैं मैं दोबारा से यहाँ पर उसकी एडिटिंग कर सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास व्यू टैब आ जाती है, इसमें आपके पास के डॉक्यूमेंट के व्यूज आ जाते हैं कि आप डॉक्यूमेंट आप किस तरह देखना चाहते हैं। अगर आप उसको फुल स्क्रीन रीडिंग में देखना चाहते हैं तो आपने यहाँ जाकर उस पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर फुल स्क्रीन आपको रीडिंग के फॉर्मेट में आ जाएगा, इसको क्लोज करना है, क्लोज पर क्लिक करेंगे तो दोबारा वो हमारे पास प्रिंट लेआउट में आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका जो हर डॉक्यूमेंट का हर एक पैराग्राफ है वो आउटलाइन की फॉर्म में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल कि वो पॉइंट्स की फॉर्म में आ जाए, देखिए यहाँ पर मैं इसको आउटलाइन से क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो भी नया पैराग्राफ शुरू होगा वो एक नया पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हर जो होगा हर पैराग्राफ वो एक नया
नहीं आउटलाइन के साथ शुरू होता है। ठीक है, आप लोग इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जाकर अपने आउटलाइन को प्रिंटआउट पर क्लिक करें तो वो दोबारा वैसे हो जाएगा। ठीक है, जो ओरिजिनल शक्ल सिस्टम में आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ड्राफ बनाना चाहते हो, ड्राफ भी होता है कि इसमें पेज पर कोई डिफरेंस नहीं आता, पेज के जो पेज ब्रेक होता है वो खत्म हो जाता है और पूरा डॉक्यूमेंट एक ही पेज की फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर जाकर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो एक ही पेज की फॉर्म में आ गया, यहाँ पर कोई पेज ब्रेक उसमें नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप दोबारा व्यू में जाएंगे, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो प्रिंट लेआउट पर क्लिक करेंगे वो रिमूव हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ जाएगा। आप लोग चाहते हो कि यहाँ पर नेविगेशन पेन आपको शो हो, नेविगेशन पेन ये होता है कि यहाँ पर आपके पास टाइटल और जितने भी हेडिंग्स होती हैं वो आपके पास आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई भी हेडिंग देता हूँ, उसके लिए मैं होम टैब पर जाऊँगा, हेडिंग वन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखें कि वो एक हेडिंग आ जाएगी। ठीक है, मैं दोबारा होम टैब पर जाऊँगा, यहाँ पर मैं हेडिंग टू देखता हूँ, यहाँ पर देखें वो इस तरह यहाँ पर हेडिंग जो होंगी वो शो हो जाएंगे। तो ये नेविगेशन पेन आपकी हेल्प करता है, हेडिंग वगैरह कुछ हो करता है। ठीक है, इसके बाद ग्रिड लाइंस का देखने में कोई इसका फंक्शन नहीं है, ये बात क्या करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर इस तरह की ये लाइनें लगा देगा और उससे उसके अलावा कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, आप इसको कोई देखने में कोई इसका फंक्शन नहीं है। फिर इस बात पर रूलर आ जाता है। ठीक है, तो रूलर ये आपका रूलर आता है, इसका ये फंक्शन है कि आप फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि ये वाला जो आपका पैराग्राफ है ना ये बाकी डॉक्यूमेंट से थोड़ा राइट पर हो जाए, तो आप क्या करेंगे इसको जाकर यहाँ पर इस तरह करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट जो होगा वो आगे मूव हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग ये चाहते हो कि अगर आप लोग इसको आगे मूव करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट की सॉरी पैराग्राफ की जो पहली लाइन होगी उसको आगे मूव करेगा। यहाँ पर आप दोबारा जाएंगे और वापस को उसकी जगह रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे आप लोग तो ये उसको पहली वाली जो उसकी पैराग्राफ की पहली लाइन होगी उसको ओरिजिनल जगह पर ले आए तो यहाँ पर आप लोग चाहते हैं और ये बाकी जो होगा उसको पहली जगह पर ले आए। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं कि पहले वो सिर्फ ये राइट साइड पर था। ठीक है, अब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये राइट पर भी हो सकता है और लेफ्ट पर भी, यहाँ पर देख सकते ये लेफ्ट पर हो गया। ठीक है, पहले उसे राइट पर हो रहा था, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वो कभी भी राइट नहीं जाएगा बस वो सिर्फ लेफ्ट जाएगा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपकी हेल्प करता है। इसके बाद हमारे पास जूम का ऑप्शन मौजूद होता है, क्योंकि देखने में इसका कोई इतना फंक्शन नहीं है। अगर आप डॉक्यूमेंट को जूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएगा, अपने प्लस के साइन पर क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट को जूम हो जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट को वैसे करना चाहते हैं, जूम आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा। अगर आप इसको मजीद जूम आउट करना चाहते हैं, मजीद छोटा करना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं जूम आउट हो जाएगा। जूम इन करना चाहते हैं यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे ये जूम इन हो जाएगा, तो इसकी कितनी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये पेज वन, पेज टू और पेज एट वाले ऑप्शन मौजूद होते हैं। पेज वन ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट को एक पेज की शक्ल दे देता है और ये थोड़ी लेंथ में थोड़ा कम हो जाएगा, जिस वजह से ये लेंथ में थोड़ा कम हो गया और ये एक ही पेज की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके एक स्क्रीन पर दो पेज शो हों तो आपने क्या करना है, यहाँ पर टू पेज पर जाकर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टू पेज की फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ जाए जो पहले था एडिटिंग फॉर्मेट में आ जाए तो आप यहाँ पर जाकर पेज पर क्लिक करना पहले जैसा आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर अरेंज ऑल वाला चीज जो होता है कि ये जितने भी टाइटल होते हैं उनको साइड बाय साइड एक ही स्क्रीन पर एज इट इज एक ही डॉक्यूमेंट में होल अरेंज कर देता है। ठीक है, क्योंकि इसका इतना भी खास फंक्शन नहीं है। इसके बाद यहाँ पर सेपरेट आ जाता है कि आपकी एक पेज को दो पेज में सेपरेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जाकर मैं सेपरेट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सेपरेट आ जाएगा, यहाँ पर मैं रखूँगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसने इस जगह से डॉक्यूमेंट को दो में तकसीम कर दिया। ठीक है, मैं दोबारा वहाँ पर जाऊँगा, रिमूव सेपरेट करूँगा तो वो सेपरेट रिमूव हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक नेटवर्क वाला ऑप्शन आता है। नेटवर्क वाला ऑप्शन काफ़ी मुश्किल है, कंफ्यूजिंग भी है और ये ज़्यादातर उनके लिए होता है जो प्रोग्रामर होते हैं, ठीक है। और अभी हम इसकी इनिशियल स्टेज पर हैं तो इसलिए ये हमारे लिए कोई इतना फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप फिर भी चाहते कि अगर आप प्रोग्रामर हैं तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर जानना है, ठीक है। नेटवर्क का फंक्शन ये होता है कि आप लोग एक ही दफ़ा में ग्रुप ऑफ टास्क इसको एमएस ऑफिस को ज्वाइन कर देते हैं और एक ही दफ़ा सारे के सारे जो हैं वो टास्क करता है। तो आपने क्या करना है, व्यू मैक्रोस पर जाना है, यहाँ पर जाकर एडिट करना है। अगर आप क्रिएट न्यू करना चाहते हैं क्रिएट न्यू भी हो जाएगा, तो यहाँ पर जाकर आप लोग अपनी जो प्रोग्रामिंग है वो करेंगे, उसके बाद इसको फंक्शनल ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन रह गया वो है प्रिंट वाला। यहाँ पर आप लोगों ने प्रिंट पर जाना है। इसके बाद आपके पास ये प्रिंट लेआउट है, वो जो प्रिंटर होगा वो आपके डॉक्यूमेंट को इस फॉर्म में प्रिंट आउट करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप नंबर ऑफ कॉपी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस पेज की एक कॉपी करना चाहते हैं तो एक कॉपी हो जाएगी, दो कॉपी करना चाहते हैं दो कॉपी हो जाएंगी, तीन करना चाहते हैं। अगर लोग इसकी 10,000 कॉपी करना चाहते हैं तो आप लोग इसकी 10,000 कॉपीज भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 32,767 कॉपीज कर सकते हैं मैक्सिमम, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी जो मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो प्रिंटर का नाम होगा वो लिखा होगा, अगर आप लोग जिस प्रिंटर से करना चाहते हैं, क्योंकि अभी मेरा किसी प्रिंटर से कनेक्ट नहीं है तो इस वजह से वो प्रिंटर का नाम नहीं किसी आ रहा, क्योंकि ये बाकी प्रिंटर हैं जो बाय डिफॉल्ट होते हैं, तो यहाँ पर प्रिंटर का नाम आता है, प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट ऑल पेजेस, प्रिंट करंट पेज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूँ पूरा डॉक्यूमेंट मेरा प्रिंट हो तो मैं यहाँ पर प्रिंट ऑल पेजेस कर दूंगा। अगर चाहता हूँ कि ये सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट प्रिंट हो तो प्रिंट करंट पेज, प्रिंट कस्टम रेंज पर जाकर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि पेज नंबर 3 से लेकर पेज नंबर 8 तक मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो पेज 3 से 8 तक प्रिंट कर देगा। अगर मैं चाहता हूँ कि पेज नंबर 3, 5 और 7 को प्रिंट करे तो इस तरह पेज 3, 5 और 7 को प्रिंट करेगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं आपके पास ये, यहाँ पर आप लोग ये जो आई का निशान है इंफॉर्मेशन वाला, अब यहाँ पर जाएंगे तो आप मुझे बता देगा कि आप लोग किस तरह इसको कस्टम रेंज सेट कर सकते हैं। मैं प्रिंट आर पे जैसे जाऊँगा, ठीक है। इसके बाद आप अगर डॉक्यूमेंट की एक साइड को प्रिंट करना चाहते हैं या अपने डॉक्यूमेंट जो फॉर एग्जांपल जो शीट आपने जो प्रिंटर में शीट है उसके एक साइड पर आप लोग लिखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि उसके दोनों साइड पर प्रिंट आ जाए, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है। क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पेज नंबर 3 है और पेज नंबर 3 एक साइड पर आ जाएगा शीट के और पेज नंबर 4 एक साइड पर आ जाएगा शीट के, ये आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है मैनुअली प्रिंट बोथ साइड, ठीक है। सुबह कोलेटेड आ जाता है, यहाँ पर आपको कोलेटेड वाला ऑप्शन मौजूद होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है फॉर एग्जाम्पल इसके टोटल 8 पेजेज है ना और आप उसके 3 साइड बनाना चाहते हैं, तो क्या करेगा कि पेज 1 to 8 तक एक ही दफ़ा पहले निकालेगा, फिर पेज 1 to 8 तक फिर दोबारा निकालेगा, फिर 1 to 8 तक फिर दोबारा निकालेगा। यहाँ पर आपने जाकर कॉपी का सिलेक्ट करना, यहाँ पर अगर मैं 5 कॉपी सेलेक्ट करूँगा तो क्या करेगा कि पेज 1 to 8 तक जितने भी पेज है मैंने यहाँ पर जाकर देख सकते हैं इंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया होगा ना, तो वो पेज 1 to 8 तक एक दफ़ा सबको सब डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालेगा, फिर उसके बाद दोबारा सब पेज का प्रिंट निकालेगा, फिर निकालेगा, उसके बाद 5 दफ़ा 5 कॉपीज निकालने के बाद फिर वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका पेज नंबर 3 जो है वो 8 दफ़ा आ जाए या पेज नंबर 4 8 दफ़ा आ जाए, तो उसके लिए आपके पास अनकोलेटेड कर देंगे, तो इसका क्या होगा कि आपके पास सेट नहीं बनेंगे, वो एक ही दफ़ा आपके पास निकालता आएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये मार्जिन वाला ऑप्शन आ जाता है। मार्जिन में नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, आप अपनी मर्जी से जो भी करना चाहते हैं आप लोग वही कर सकते हैं। और इस तरह तरह तब होता है जब आप अपने बुक की बाइंडिंग कराना चाहते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट की बाइंडिंग कराना चाहते हैं, आप लोग ये चाहते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट का लिखा हुआ हिस्सा है वो बाइंडिंग में ना आए, तो उसमें आपकी हेल्प करता है, ठीक है। कस्टम मार्जिन पर जाएंगे, यहाँ पर आपके पास काफ़ी कस्टमाइजेशन आ जाएगी, ठीक है। पेपर है, पेपर पर जाएंगे तो
यहाँ पर आपकी लेंथ और वेट आएगी पेपर की। लेआउट पर जाएंगे तो यहाँ पर उसके यहाँ पर देख सकते हैं कि अलाइनमेंट वगैरह देखिए हेडर फुटर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर वन पेज पर शीट, अगर आप चाहते हो कि एक शीट के ऊपर वन पेज आए तो वन पेज पर शीट कर देंगे, अगर आप चाहते हो कि आपके एक शीट पर दो पेजेस आ जाए, एक शीट पर चार पेजेस आए, एक शीट पर छः पेजेस आए। फॉर एग्जाम्पल एक शीट होती है कि एक जो पेज होता है जो प्रिंटर से निकलता है उसके ऊपर आप चाहते हो कि पेज नंबर थ्री भी आ जाए, पेज नंबर फोर भी आ जाए, तो आपने क्या करना है कि टू पेज पर शीट पर क्लिक कर देंगे, वो दो पेज एक शीट पर प्रिंट करेगा। ये सब हमारा था प्रिंटर वाला। यहाँ पर आप देखें यहाँ पर लेटर के इस, ये आपकी तब हेल्प करता है जब आप प्रिंट निकालते हैं प्रिंटर से, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपने प्रिंटर की सेटिंग करनी है, प्रिंटर की सेटिंग वहाँ पर लेटर या ए थ्री ए फोर नहीं लिखा होता, वहाँ पर यहाँ पर आपके पास ये रेजोल्यूशन लिखी होती है 8.5 इंच मल्टीप्लाई 11 इंच, यहाँ पर जाकर आप लोग जो भी आपके मैंने सेलेक्ट की होगी वहाँ पर वो आप लोग यहाँ पर आकर मैच करेंगे और सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर आपने 8.27 की हो, यहाँ पर आप 8.27 मल्टीप्लाई 11.69 इंच कर देंगे, ठीक है। पर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन वाला आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्रूफिंग और ये एडवांस ये दो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर जाकर आप लोग अपने काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन अपने डॉक्यूमेंट्स में कर सकते हो, ठीक है। जो रिपीटेड वर्जन को फ्लैग कर सकते हो, मतलब एक दफ़ा आपने एंड लिखा है दोबारा फॉर्म के बाद आप एंड लिखते हो तो उसको फ्लैग कर देगा, मतलब उसको रेडलाइन कर देगा, ठीक है। और इसके बाद अपर केस लोअर वर्जन अपर केस इस तरह की चीज़ें हैं ना, काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। आप लोग इसमें जो बुक चाहें आप लोग अपनी भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये ग्रामर स्पेलिंग है, जूता है और बाहर ग्रामर एर, अगर आप चाहते हो कि मिस्टेक हुई है और मिस्टेक वो काउंट ना करें उसको हाईलाइट ना कर दें, यहाँ पर आप चेक ग्रामर स्पेलिंग पर क्लिक कर देंगे, बाहर ग्रामर एर उसको क्लिक कर दो, आपके जो होगा मिस्टेक होंगी उसको काउंट नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एडवांस नहीं आप लोग गए तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा आपके पास कस्टमाइजेशन है, जो अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन है वो यहाँ पर आपको